हेलो फ्रेंड्स, आज हम केम ऐप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केम ऐप बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की एक टेक्निक है। आज हम केम ऐप यूज करेंगे तीन वेरिएबल्स के बूलियन फंक्शन के लिए। मान लीजिए कि कोई बूलियन फंक्शन है तीन वेरिएबल का, ए बी सी वेरिएबल्स हैं, और वो दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो हम तीन वेरिएबल के लिए के मैप खींचेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि तीन वेरिएबल के मैप में जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो 2^3 = 8, यानी 8 खाने का, 8 डिवीजन का हमें एक के मैप ड्रॉ करना है। वो हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें ये ए वेरिएबल शो करेगा, ये हो गया आपका, इसको आप 0 0 0 1 1 1 1 0, और इसे आप लिखेंगे 0 और 1। ये हो गया आपका, ये इधर ए शो करेगा जैसे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, और इधर ये बी सी शो करेगा। तो इनको आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जो खाना है आपका, ये शो कर रहा है बी बार सी बार, या ये जो डिवीजन है, ये जो खाना है, ये आपका शो कर रहा है बी सी, या ये आपका शो कर रहा है बी सी बार। इसी तरह अगर ए के लिए हम बात करें तो ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल रो है ये शो कर रही है ए बार, और ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल सेकंड रो है ये शो कर रही है ए। इसलिए इसको हम 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर 0 1 की जगह पे आप इसको ए बार ए भी लिख सकते हैं, इसको आप बी बार सी बार भी लिख सकते हैं, इसको बी बार सी, इसको बी सी, और इसको बी सी बार। तो ये आपके ऊपर है कि कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाता है। चाहे आप इसको 0 0 0 1 1 1 1 0 में नोटेट कीजिए, या आप बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार में रिप्रेजेंट कीजिए, वो आपके ऊपर है। अब आपको जो भी टर्म्स बूलियन फंक्शन में दी हुई है उनको आपको इस के मैप के अंदर मार्क करना है। जैसे हम पहली टर्म लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, तो ए वाली रो तो ये है, और इसमें आप देखिए कि बी सी वाला खाना कौन सा है, ये बी बार सी बार है, ये बी बार सी है, ये है बी सी वाला खाना, यानी ए रो में बी सी वाला खाना, यानी यहां पे एक टर्म है, इसको हम वन मार्क कर देंगे। इसी तरह ए बार बी बार सी, ए बार वाली रो ये है, इसमें आप देखिए कि बी बार सी वाला खाना कौन सा है, तो बी बार सी वाला खाना ये है, तो ए बार ये रो लिया हमने और बी बार सी ये खाना लिया, यानी कि यहां पे हमने वन मार्क कर दिया। सिमिलरली ए बार बी सी, ए बार और बी सी, ये हो गया। फिर इस टर्म पे आइए, ए बी सी बार, ए वाली रो ये है और बी सी बार का खाना ये है, तो ये हमने यहां मार्क कर दिया। उसके बाद आपके पास बचता है ए बार
बी बार सी बार, तो ए बार की रो ये है ऊपर वाली रो, और बी बार सी बार का खाना कौन सा है ये, तो ए बार बी बार सी बार, यानी कि यहां पे इस तरह क्या हुआ कि जो पांचों टर्म में थी हमारी बुलियन फंक्शन में, एक दो तीन चार पांच, यहां पे भी एक दो तीन चार पांच, यानी जो भी टर्म हमारी बुलियन फंक्शन में दी हुई थी उसको हमने के मैप में मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि पहले हम इसमें ये जो वन मार्क है इनकी ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग में ये कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ा ग्रुप पहले बने। तो देखिए इसमें जैसे आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है, चार का ग्रुप तो बन नहीं सकता, ये तीन ही अगर यहां पे होता तो ये चार का बन जाता, या यहां पे होता तो ये चार का बन जाता। तो इसमें जो ग्रुप बनाते हैं हम लोग वन का, वो दो का पेयर लेते हैं या चार का लेते हैं, चार वन का या आठ वन का या ऐसी बड़े उसमें 16 का। तो जो भी ग्रुपिंग होती है वंस की वो या तो दो की या चार की या आठ की या 16 की होती है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि हम दो से बड़ा ग्रुपिंग नहीं कर सकते। और एक जो मेन कंडीशन होती है कि हर ग्रुप में, ईच ग्रुप में कम से कम एक वन, एटलीस्ट वन न्यू वन शुड बी देयर, क्योंकि सारे पुराने वन लेके अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, रिडंडेंसी हो जाएगी। तो मान लीजिए पहले हमने इनका दो का पेयर बना लिया, इन दोनों का ये एक पेयर बन गया। उसके बाद क्या किया, पेयर देखिए डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। आपने कहा सर हम ये नहीं बनाएंगे, हम पहले ये बना लेंगे, ये वो, उससे मतलब नहीं है। फाइनली जो आंसर आएगा, जो जो रिड्यूस होके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, अगर मेरे में तीन आ रही हैं और आपके में भी तीन आ रही हैं, किसी और स्टूडेंट्स ने किया उसके में भी तीन आ रही है नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्वेश्चन सही, आपका सोल्यूशन सही है। तो मान लीजिए ये हमने पेयर किया इन दो वन का, उसके बाद इन दोनों वन को हमने इस तरह पेयर कर दिया, दो पेयर हो गए, एक ये वन बचा, तो ये वन हम पेयर करेंगे इस तरह, क्योंकि जो पेयरिंग होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली हो सकती है, डाउनवर्ड्स हो सकती है, लेकिन डायगोनली नहीं हो सकती है। ये वन और ये वन का पेयर नहीं हो सकता है, ये वन और यहां पे वन होता उनका पेयर हो सकता था, इधर चारों पे वन होते उनका आपस में पेयरिंग हो जाती, लेकिन डायगोनल पेयरिंग नहीं होती है। तो इस तरह तीन पेयर बन गए। अब हम कहेंगे कि अब इनका टर्म लिखिए। तो मान लीजिए हमने समझने के लिए पहले हम ये पेयर लेते हैं, इस टर्म को हम जब लिखेंगे तो पेयर में क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि भाई हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे और अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स ट्रेवल करेंगे। तो इसमें तो अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स ट्रेवल करने का है नहीं, आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए और आप देखिए कि किस वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही। तो जब आप इस पेयर में आप ट्रेवल करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो ए बार, तो यहां भी ए बार ही है, यहां भी ए बार ही है, तो ये हम लिखेंगे ए बार, ठीक है। और ऊपर अब आप देखिए इस खाने में बी बार सी बार है, इस खाने में इस डिवीजन में बी बार सी है, यानी बी बार यहां भी बी बार है और यहां भी बी बार है, जबकि सी चेंज हो जा रहा है। तो जो नहीं चेंज हो रहा है वो हमें लिखना है, तो हमने यहां पे बी बार लिख लिया, ठीक।
ठीक, ये पेयर का काम पूरा हो गया। अब आइए इस पे, दूसरी टर्म आएगी, इसमें लेफ्ट टू राइट तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते, ये पेयर तो इस तरह बना हुआ है। अपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रेवल कीजिए, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेवल करेंगे, मींस इस डिवीजन से इस डिवीजन में ट्रेवल करेंगे, तो ए बार से ए, यानी ए तो अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहा है, बाकी बीसी बीसी इस खाने में भी बीसी है और इस खाने में भी बीसी है, इसको एज इट इज लिख लेंगे बीसी प्लस। अब तीसरे पेयर पे आइए इस पे, इसमें फिर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे, तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ए यहां भी ए ही है, यहां भी ए ही है, तो ए लिख लेंगे। और जब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो ऊपर देखेंगे बी सी और इधर देखेंगे बी सी बार, यानी सी अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहा है, 1 से 0 हो जा रहा है, जबकि बी यहां भी 1 था और यहां भी 1 है, तो बी हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारे पास 3 टर्म का ये आंसर आया, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन हमारा 5 टर्मों का था, 1 2 3 4 5, वो के मैप की टेक्निक से रिड्यूस होके 3 टर्म का रह गया। इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन। थैंक यू।